हेलो गाइज, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान भाई आनंद। तो मैं उत्तराखंड के प्यारे साथियों, भर्ती से संबंधित बिग ब्रेकिंग अपडेट लेकर मैं आपके लिए हाजिर हुआ हूं। मित्रों, हमने कुछ दिन पहले आपको अपडेट दी थी कि अपने उत्तराखंड में होमगार्ड की भर्ती महिलाओं के लिए जल्द आने वाली है। होमगार्ड कार्यालय की ओर से शासन से मंजूरी ली गई है, अभी तक मंजूरी नहीं मिली थी। फाइनल अपडेट आ चुकी है, शासन ने, हमारे उत्तराखंड शासन ने होमगार्ड विभाग को होमगार्ड में महिलाओं को भर्ती कराने की मंजूरी दे दी है। अब हमारे उत्तराखंड में 330 पदों पर महिला होमगार्ड की भर्ती निकलने वाली है। चलिए इस पूरी खबर पर आपको अच्छी सी न्यूज़ हम देते हैं। केवल खुराना जो IG कमांडेंट होमगार्ड है, उनका इस पर क्या कहना है। प्रदेश के 10 जिलों में महिला प्लाटून के 330 पदों पर हम भर्ती करने वाले हैं। शासन से जो हमने मंजूरी ली थी, वो मंजूरी हमें मिल चुकी है। 15 से 20 दिन के भीतर हम भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देंगे। तो देख सकते हैं आप लोग, 15 से 20 दिन के भीतर अपने उत्तराखंड में 330 पदों पर अपने उत्तराखंड की महिलाओं के लिए होमगार्ड की भर्ती निकलने वाली है। आपको यह भी यहाँ पे जानकारी दी है कि जल्द कार्रवाई यह बढ़ने वाली है, क्योंकि जुलाई से पहले बैच को यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। तो अपनी तैयारी हमारे उत्तराखंड की महिलाओं को शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि यदि आपने क्वालिफिकेशन पर बात कर लेते हैं, पहले इसमें 8th पास थी, अभी 8th पास हटा दी गई है, आपको ध्यान रखना है। 10th पास यदि आपने मान्यता प्राप्त विद्यालय से किया हो, चाहे आपकी कोई सी भी डिविजन हो, 1st 2nd 3rd, ओनली 10th पास, 18 to 42 आपकी एज है, तो आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसे करोगे और इसमें क्या क्या होगा, जैसे ही इस पर ऑफिशियल होमगार्ड की ओर से नोटिफिकेशन आता है, मैं तुरंत आपको सूचना दे दूंगा। फिलहाल भी आपको ध्यान रखना है कि 15 से 20 दिन के अंदर अपने उत्तराखंड में 330 पदों पर महिलाओं के लिए होमगार्ड की भर्ती निकलने वाली है, जिसमें तुरंत कार्रवाई होने वाली है। आप लोग हमेशा हमसे जुड़ेगा जैसे अपडेट आती है, सब्सक्राइब आप लोग जरूर करें ताकि आप लोग हर अपडेट से अवगत हो सको। राइट कॉर्नर में सब्सक्राइब होगा, बगल में बेल आइकन, उत्तराखंड की हर भर्ती अपडेट आपको समय रहते हम देने का प्रयास करते हैं। मित्रों, अभी फिलहाल ये अपडेट थी, कोई अपडेट आती है तो मैं तुरंत आपको सूचित कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।